वहीं आपको बता दें कि उमेश पाल कत्ल केस में अतीक की बीवी का बड़ा इल्जाम, दो बड़े पुलिस अफसरान पर कत्ल की साजिश रचने का इल्जाम उन्होंने लगाया है। शौहर अतीक अहमद और देवर को लेकर शाइस्ता का इल्जाम है। अतीक की बीवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है और खत में ये इल्जाम लगाया है। शाइस्ता की अर्जी पर कोर्ट ने भी अब पुलिस से जवाब मांगा। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अतीक अहमद के जो करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके बेटों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब उनकी अहलिया ने कत्ल की साजिश का अंदेशा जताया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि दो बड़े पुलिस अफसर ऐसे हैं जो कत्ल की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। शौहर अतीक अहमद और अपने देवर को लेकर यह खत उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लिखा है और हिफाजत की जो यकीन दहानी है वो मांगी है। साथ ही साथ बता दें कि एक अर्जी कोर्ट में भी दायर की गई और कोर्ट ने अब इस अर्जी पर पुलिस से जवाब भी मांगा है। शाइस्ता की अर्जी कोर्ट में पहुंची और कोर्ट ने अब पुलिस से इस मामले में जवाब मांगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद पर जहां एक और यूपी पुलिस कार्रवाई को अंजाम दे रही है, मुख्तलिफ ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उनके करीबियों पर शिकंजा कसते हुए पूछताछ का सिलसिला इस वक्त चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहीं अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता ने अब ये खत योगी आदित्यनाथ को लिखा है और उस खत में कहा गया है कि अतीक अहमद की जान को खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी देवर की हिफाजत को भी यकीनी बनाने के लिए अपील की है। उनका इल्जाम है कि दो बड़े पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो कत्ल की साजिश इस वक्त रच रहे हैं। उनके शौहर अतीक अहमद और उनके देवर पर जानलेवा हमला किया जा सकता है। बड़ी खबर है इस वक्त की उमेश पाल कत्ल केस में अतीक अहमद की बीवी अब सामने आई है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा है, साथ ही साथ कोर्ट में अर्जी भी दायर की है।